हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कराधान, टैक्सेशन। ये कक्षा 10वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष 4 नंबर का कराधान से एक क्वेश्चन आता है। तो ये मेरा पहला पार्ट है, पार्ट वन है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। इसमें सामान्य सी बातें हैं, सरल कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा इससे हटके होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन जब टफ बना दिया जाता है तो दूसरा पार्ट जो हम बनाएंगे उस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रवि की मासिक आय 41,000 रुपये। वह अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,044 रुपये वार्षिक, भारतीय जीवन बीमा में 80,000 रुपये वार्षिक तथा 40,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो बताओ उसे अंतिम माह में कितना कर देना होगा। यदि वह 11 माह तक 500 रुपये प्रति माह जमा करता है, मतलब 11 महीने तक 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 11×5 55, 5,500 रुपये पहले से ही जमा कर देता है। अधिकतम बचत सीमा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये है। साथ ही 3% शिक्षा उपकर अतिरिक्त देना होगा। और कर की जो शर्तें हैं वो हैं 2,50,000 तक 0%, 2,50,000 एक से 5 लाख तक 10%, और 5 लाख से ऊपर 20% टैक्स देना होगा। तो देखते हैं, ये हमने सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके दिया है। इसमें आपको कोई भी स्टेप भूलना नहीं है। बस स्टेप अगर याद कर लिए तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो देखते हैं स्टेप कैसे है। तो सबसे पहला और जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा रवि की वार्षिक आय, यानी कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन से वार्षिक आय निकालनी होगी। जबकि क्वेश्चन में पहले क्या दिया है ऊपर, मासिक आय। तो मासिक मतलब एक महीने में, तो हमें वार्षिक निकालनी, यानी कि 12 का गुणा करना है। तो वही किया गया पहले स्टेप में, 12×41,000 = 4,92,000 रुपये निकल के आया। दूसरा स्टेप है बचत राशियां, ये 80C के तहत, धारा 80C होती है जो, धारा 80C के तहत ये बचत राशियां हैं। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,044 रुपये, सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,044, भारतीय जीवन बीमा में 80,000 रुपया वार्षिक, और राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे 40,000 रुपये के। तो ये सभी बचत राशियां अगर मासिक हों तो उन्हें भी सभी को हम वार्षिक बना लेते हैं। उसके बाद में कुल बचत राशियों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के ये आया 1,21,044 रुपये। इसके बाद में तीसरा स्टेप आता है कर योग्य आय, जो कर योग्य आय होती है जिस पे हमें टैक्स देना है। तो वो हम कहाँ से निकालते हैं, वार्षिक आय जो हमारी थी फर्स्ट स्टेप में, माइनस बचत राशियां जो बचत अभी निकाले, ये सभी जोड़ के और वार्षिक आय से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि क्वेश्चन में दिया था कि अधिकतम बचत आप 1,50,000 रुपये तक की कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचत राशियां अगर 1,50,000 से ऊपर हैं तो यहाँ पर हम माइनस जो करेंगे, घटाएंगे, 1,50,000 घटाएंगे, यानी 1,50,000 घटाएंगे। और यदि बचत राशियाँ 1,50,000 से कम हैं तो वही घटा देते हैं। तो इसमें 1,50,000 से कम 1,21,044 रुपये है, तो इसी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से निकल के आता है 4,92,000 माइनस 1,21,044। तो इसको जब घटाते हैं 3,70,956 रुपये निकलता है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, आयकर। आयकर की गणना जो ऊपर सारणी दी गई है हम इसी के आधार पर करते हैं। तो इसमें जो है 2,50,000 तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2,50,000 तक 0, यानी कि जो 3,70,956 रुपये बने हैं इसमें से हम 2,50,000 ले लें, 2,50,000 का 0% निकालते हैं तो वो 0 आएगा। फिर उसके बाद में 2,50,000 प्लस कितना बचा है, 3,70,956 में से 2,50,000 माइनस कर देते, 3,70,956 माइनस 2,50,000, तो वहाँ से हमारा निकल के आता है 1,20,956, 1,20,956। इसका 10% ऊपर साड़ी में भी लिखा है 5 लाख तक 10, अगर 5 लाख से ऊपर होता तो 20% लगता। तो यहाँ पे हमें जो देनी होगी राशि वो आपकी 10% देनी होगी। तो देखिए इसका 10% निकालते हैं, गोड़ा 10
बटा 100, एक जीरो यहाँ से काट दिए और इसका क्या किया, इतना कर दिया, एक नीचे से जीरो हटाने के लिए ऊपर एक दशमलव अंक लगाए, तो 12,095 रुपया और 60 पैसा आपका बना। उसके बाद में अगला स्टेप है 3% शिक्षा उपकर अतिरिक्त देना होगा। तो जो कर होता है, टैक्स आता है, उस पर 3% शिक्षा उपकर देना पड़ता है। तो ये रहा आपका 12,095.6 × 3/100, 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 = 16, 3 × 9 = 27, 27 + 1 = 28, और 28 × 0 = 0, और 6 × 2, और 3 × 2 = 6, और 3 × 1 = 3। तो ये 362.86 रुपये के समथिंग आपका ये बन गया। तो इसको मैं पूर्णांक में बदल लेते हैं या फिर जोड़ लेते हैं, पहले इनको जब जोड़ा तो ये आया ये वाला आपका 12,458.46। तो इसको मैंने पूर्णांक में बना लिया, एक अंक तक, दशमलव के एक अंक बाद तक, तो 12,458 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बन के राशि तैयार हुई वो भी 12,458.50। अब यहाँ पे हम अगला स्टेप देखते हैं, 500 रुपये प्रति माह 11 माह तक जमा करता है, तो कितना रुपया उसने जमा किया है रवि ने, 5,500 रुपये। तो अभीष्ट देय आयकर यहाँ से हम निकालते हैं, जो कुल आयकर हमारा बना है 12,458.50, उससे जो अग्रिम जमा राशि है जिसे TDS कहते हैं वो माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करने पर आपका निकल के आएगा 6,958.50। तो रवि को अंतिम माह में 6,958.50 टैक्स के रूप में देना होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए अगला पार्ट टैक्सेशन से ही होगा, बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरा चैनल जैसे ही दूसरा नया वीडियो डालते हैं तो आपको बहुत जल्दी और पहले मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।